अपना हेयर कलर चेंज करना चाहते हैं पर सैलून नहीं जाना चाहते, तो हम आपकी मदद करेंगे। एक ब्रश पर हेयर डाई को स्प्रे करें और इस ब्रश को अपने बालों पर चलाएं, तो ये डाई आपके बालों पर आ जाएगा बिल्कुल इस तरह। और आप अलग अलग कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत आसान है और ये बहुत अच्छा दिखता है। महंगे ट्रीटमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पसंद आया। अच्छी लड़कियों का मेकअप करना एक स्वभाव होता है, ये है जब तक आपको अपनी आईब्रोज नहीं बनानी। कोई बात नहीं लीली, तुम्हें आता है या तुम्हें नहीं आता है? और ये आउटलाइनिंग और शेडिंग के बाद तुम्हें कुछ ऐसी आईब्रोज मिलेंगी जो तुमने शायद सोची भी ना हो। देखा मैंने क्या कहा? इसे खो दिया विकी। इन ट्वीजर्स को वापस देने से पहले कुछ नया ट्राई करें। क्या आपको पता था कि अगर आप पेंसिल को इन ट्वीजर्स के ऊपर लगाएंगे तो आप अपनी ब्राउज को इससे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं? ठीक है, ये ऐसे होता है। ब्राउ के अंदर से इस तरह शुरू करें और बाहर तक लेकर जाएं। टूल को बिना हिलाएं और इसे आखिर में छोड़ें। ब्रश के इस्तेमाल से आप बालों को लाइन मिला सकते हैं और जो आपने ये तीखी लाइन बनाई है ये उसे स्मूथ करेगा। अच्छा है, ठीक है, अब तुम ये ले सकती हो। हे, लगता है मुझे भी ये ट्रिक ट्राई करनी चाहिए। लगता है ये एक और स्कूल पिक्चर डे है। चलो भी, जितना इंतजार करेंगे उतना ही घबरा जाएंगे। सोफिया, तुम्हारी बारी। येक्स, क्या तुम कल रात सोई नहीं लीली? मुझे नहीं पता मैं इसके लिए कैसे जागती रहूंगी। मैं पिक्चर के लिए बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, है ना? क्या तुमने आज शीशे में नहीं देखा लीली? ओह नहीं, मेरी आंखों के नीचे धब्बे बहुत गंदे हैं। मेरे पास कंसीलर है लेकिन शायद ये तुम्हारे लिए ठीक रंग नहीं, लेकिन ये लिपस्टिक काम करेगी। ये आज तुम्हारा दिन बचाने वाला है, विश्वास करो। क्या मेरे धब्बों के लिए लिपस्टिक? मैं अभी कुछ भी ट्राई करने को तैयार हूँ। अगर आपके आंखों के नीचे धब्बे हैं तो एक लाल लिपस्टिक इसे ठीक कर देगी। बस इसे इस तरह से डैप करें। जब ये हो जाए तो ब्लेंडिंग ब्रश से इसे स्मूथ करें। हाँ, इसी तरह से। और इसके बाद रंग एक दूसरे को काटना शुरू करेंगे और ये बचे हुए रंग को हटाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा कंसीलर लगाएं। जब आप इसे डैप कर ली तो इसे ब्रश से ब्लेंड करें। अच्छा दिख रहा है। हे, तुम्हारी धब्बे चले गए लीली, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। हे, लगता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विकी ने तुम्हें बचा लिया लीली, लेकिन अगली बार एक दिन पहले सोना जरूर। हाँ, मेरा आर्टिस्टिक विजन जाग रहा है। फिर इसमें बहुत मेहनत है, मुझे थोड़ा शांत होना होगा। ओह, ये मुश्किल था पर ये काफी बेहतर है। रुको, ये क्या है? ओह नहीं, ये तो मेरी लिपस्टिक है, ये निकल गई होगी। अरे नहीं, हे, यहाँ देखो। ये आवाज कैसी है? मेरी लिपस्टिक निकल गई। ओह, यही परेशानी है, मैं मदद करती हूँ। ये लो, एक खाली पेंट कंटेनर ले, इसमें क्लियर जेल डालें जैसे वैसलीन और जो रंग आपको चाहिए। अब इसे साथ में मिला दें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हो गया। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक पेंट ब्रश चाहिए, बस थोड़ा सा लेकर अपने लिप्स पर लगाओ और इस तरह हमने कलर्ड लिप ग्लॉस बना लिया। अरे वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और जब ये सूख जाए तो इसे निकाल लें। देखा, आपके लिप्स अभी भी कलर्ड है, ये लिप स्टेन है, ये पूरा दिन रहेगा। अब इसके फैलने का भी कोई डर नहीं। तुम तो जीनियस हो। शुक्रिया, अब वापस आर्ट शुरू करती हूँ। क्या तुम सबसे प्यारी नहीं हो? अब यहाँ पर बैठ जाओ जब तक मामा तैयार हो रही है, ठीक है? कॉशियस में हो, आज मेरे आगे बहुत लंबा दिन है। वो उन पंजों पर ध्यान दो किटे, तुम्हें पता है ना? नहीं नहीं,
मम्मी, सारा पाउडर खराब हो गया। तुम क्या करती हो? ये बिल्कुल नहीं थी। क्या मैं इसे अब इस्तेमाल भी कर सकती हूँ या नहीं? ओहो, शायद ये हमेशा ऐसे रहेगा। लेकिन लगता है ये बॉटल ये परेशानी का हल है। पाउडर को ले और इसे ब्रश से बिठा दे। ब्रश के पीछे का हिस्सा सही काम करेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम डालें। जब ये थोड़ा गीला हो जाए तो इसे ब्रश से मिक्स कर ले। ये अब इसे बेहतर लग रहा है ना? इसे बिल्कुल स्मूथ कर ले। ये आसान था और इसकी फूलों वाली खुशबू और भी ज्यादा अच्छी है। अब ये बिल्कुल सॉलिड पाउडर बन गया। ये हो गया। कोई बात नहीं मेरी राजकुमारी, कुछ नहीं हुआ। तुमसे कौन गुस्सा हो सकता है? लेकिन अब ऊपर नहीं खेलना, ठीक है? जल्दी क्लास शुरू होने से पहले जल्दी सेल्फी ले लेते हैं। लाना, तुम्हारी आंख के साथ क्या हो गया है? क्या, मेरा मेकअप एकदम से फैल कैसे गया? मैंने बस इसे अभी लगाया है। ओहो, अब मैं इसका क्या करूं? इसे रब करना इसे 10 गुना और खराब कर देता है। मैं शायद और मेकअप भी साथ नहीं लाई, पर शायद ये हाइलाइटर काम करे। ठीक है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? अगर आपका मेकअप भी फैल रहा है तो थोड़ा हाइलाइटर दिन बचा सकता है। और बस थोड़े स्विफ्ट मूव्स में वो बुरे निशान गायब हो जाएंगे। क्या हाइलाइटर कलर भी ड्रॉ करते हैं? वैसे तुम्हें पूछना चाहिए था। वैसे मैंने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से घुमाया हुआ है। सबसे पहले एक गर्म पानी का बाउल ले और अब हाइलाइटर ले। ढक्कन को हटाने से पहले इसके कोने को निकाले और फिर हाइलाइटर ले। इसके ढक्कन और टिप को निकालने से पहले इसके एंड को निकाल ले और रिंग निकालने से पहले इसे पानी में डाल दे और ये ही करे। अब बस बैठ जाए और इसका रंग निकलने दे। और अब कलर फ्री इंक होल्डर ले और टिप ले और इस तरह आई मेकअप रिमूवर से इसे सोक कर ले। तो चलो, जब ये रिमूवर में सोक हो जाए ये टुकड़े हाइलाइटर में वापस डालें, ढक्कन लगाना ना भूलें। और हाँ, ये ऐसे होता है। ट्राई करना चाहती हो? ओह, कोई परेशानी मत लेना। वैसे हमें काम पर लग जाना चाहिए, क्लास शुरू हो चुकी है। कभी कभी शीशे में सिर्फ एक ही बार देखने से पता चल जाता है कि आपको कुछ करने की जरूरत है। ओह, मेरे होंठ इतने सूखे क्यों है? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बहुत शर्मनाक है। अब मैं क्या करूँ? ये स्किन तो निकल रही है पर मैं इसे खींचना नहीं चाहती। लिप बाम मदद करेगी, है ना? हाँ, मेरे होंठ खराब है, इसमें बिल्कुल नहीं बचा। मैं ऐसे नहीं रह सकती। थोड़ी लिपस्टिक काम करेगी। ये भी खत्म हो गई। अब मेरे होठों को कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक लिप बाम का खाली कंटेनर साफ करें और फिर इसे रख दे। एक छोटी कटोरी में नारियल का तेल, वैसलीन और थोड़ी सी अपनी मनपसंद लिपस्टिक डालें। बढ़िया। जब ये पिघल जाए तो इसे लिप बाम कंटेनर में डालें। अब इसे सख्त होने के लिए फ्रिज में रख दें। चलो जल्दी मिलते हैं। मैं वापस आ गई। तुम बढ़िया दिखते हो। अब इसे टेस्ट करने का समय है, पर मुझे ये सही जगह से करना होगा। यहाँ से। हो, क्या मेरे होठों को ये चाहिए था? ओह हाँ, परफेक्ट पाउट। तुमने मेरा दिन बचा लिया। ओह, मुझे विक्की को दोबारा कॉल करना है। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार हम मिले। मैं ये हफ्तों से चाहती थी। ओह, मैं भूल ही गई, मुझे तुम्हें कल के बारे में सब कुछ बताना है। ओहो, अब लाना अपनी लंबी चौड़ी कहानियाँ शुरू करने वाली है ना? रुक जाओ, मैं रेस्ट रूम से होकर आता हूँ। ठीक है ठीक है। तो इतनी देर में मैं फटाफट अपनी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मेरा कॉम्पैक्ट कहाँ है?
ठीक है तो जल लगाते हैं। जब भी आपका डेट रेस्टरूम जाए तो ये मौका है फटाफट टच अप करने का। बढ़िया, मेरा ब्लश हट गया, बहुत अजीब लग रहा है। नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे जल्दी से ब्लश लगाना चाहिए। क्या मैं वो रखना भूल गई? ओ नहीं, अब मैं क्या करूँगी? अगर आपको अपने गालों पर कुछ रंग लगाने की जरूरत है तो ये ट्रिक ट्राई करें। अपने होठों को एक पेपर नैपकिन पर लगाएं इस तरह। अब इसे अपने गाल पर लगाएं और ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। कोई बात नहीं, ये ऐसा ही नहीं दिखने वाला। अब इसे अपनी उंगलियों से अपनी स्किन से मिला दें। ये थोड़ा चिपचिपा है तो इसे अच्छे से मिलाएं। दूसरा गाल मत भूल जाना लाना। तो चलो। वाह, ये सच में असली ब्लश की तरह लग रहा है, देखा? हाँ वो आ ही रहा है, मुझे उसके आने से पहले इसे रखना चाहिए। तुम आ गए? ओहो, बाथरूम से तो दूर ही रहना। यस, और वहाँ से आने के बाद लाना की लंबी चौड़ी कहानियाँ इतनी बुरी नहीं। ये अगला लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पहला लिप ग्लॉस लगा रहे हैं लेक्चर के बीच में? मैं इसे रोकने वाली हूँ। परफेक्ट, और बाकी? ठीक है, मेरी पॉकेट में रह गया होगा। और भी है, मतलब तुमने जिद पकड़ ही ली है। ये रहा मेरा सामान, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब खुश हो? हाँ बिल्कुल। और तुम बेटी, तुम्हारे पास कोई आई शैडो है? कौन, मैं? मेरे पास तो बस यही है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। अब लेसन दोबारा शुरू करते हैं। फिर शुक्र है टीचर ने गौर नहीं किया, वो मेरा क्रेयॉन्स में छिपा हुआ मेकअप देख लेती। ये किस तरह के क्रेयॉन्स हैं? इसे बनाने के लिए ब्लेड से रैपर काट लें। अब क्रेयॉन निकाल लें और अपनी फेवरेट मेकअप पेंसिल इसमें लगा दें। अब क्लियर ग्लू से रैपर सील कर दें। जल्दी करो, इससे पहले ये सूख जाए। बढ़िया, बस एक स्टेप रह गया, ऐसे तो पता लग जाएगा। अब उसे वापस बॉक्स में रख दें। क्या लाजवाब हैक है गर्ल्स, हम तो बस नोट्स ले रहे हैं, देखो। ओ, अच्छा है। एक और शानदार मंडे। बेटी, ये चमकदार ज्वेलरी? ओह हाँ, ये नई है। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। हाँ, बहुत अजीब है। बेला, इधर देखो, इसमें कुछ छिपा है। देखो, ये लिप बाम है। यहाँ मेकअप अलाउड नहीं है ना? अरे वाह, अपना खुद का बनाना चाहते हैं? अपने मनपसंद रंग के लिपस्टिक को काटें। अब इसे अच्छे से पिघला लें और इसे छोटे कंटेनर में डाल लें। एकदम क्रीमी, ढक्कन को ना भूलें। अब ऐसा बड़ा मेडालियन लें और पीछे की तरफ हॉट ग्लू लगाएं और इसके सूखने से पहले कंटेनर चिपका दें। कितना कूल है ना, और आसान भी। अब मेरी बारी। वह क्या चल रहा है? मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, बढ़िया था ना? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये खाली है? बिल्कुल पैसे नहीं है। अब क्या, वापस स्क्रॉलिंग करनी होगी। ओह, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने जाना चाहिए। मेरी आईब्रोज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, शायद मैं कुछ कर पाऊँ? हाँ एक सेकंड रुको, अगर मैं, हाँ मुझे लगता है ये काम करेगा। काफी बढ़िया, और सोफी
बढ़िया, अब मुझे इसे अपनी ब्राउज पर लगाना है। हाँ, ये इन्हें अच्छी शेप दे रही है। चलो अब दूसरी वाली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से हो गए। वाह क्या बात है, उसके आईब्रोज बहुत बढ़िया है। मैं आ गई बिल्कुल तैयार होकर। ओ वाह, वो बहुत सुंदर है। अरे वाह, उसके आईब्रोज देखो। ठीक है, मुझे भी अपनी ब्रोज ठीक करनी है। आओ। हाँ थोड़ा तो हुआ। ओ वाह, कितनी सुंदर है। 25, 26, 27, 28 ब्रशिंग हो गई और अब हम कर्ल्स करेंगे। इसके गर्म होने से पहले थोड़ी तैयारी करते हैं। तो चलो ये काम करना चाहिए या नहीं। चलो इस बार थोड़ा लंबा रखें और चलो भी, ये गर्म भी नहीं है। मैं हार मानती हूँ। ओ सोफिया, मेरे बाल, माफ करना, कसम से ये गलती से हुआ है। पर जरा इस परफेक्ट कर्ल को तो देखो, क्या तुम बाकी भी कर दोगी? पता नहीं अब ये काम करेगी या नहीं। वाह तो जबरदस्त है। कर्लिंग आयरन इस्तेमाल क्यों करना? ऐसा लग रहा है अभी मैं सैलून से आई हूँ। शुक्रिया। अब मुझे बस कहीं बाहर जाना है। अच्छे से नहाने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन बालों को ब्लो ड्राई करना अच्छा नहीं लगता। मैं इसे जल्दी खत्म करती हूँ। इस तरह से ब्लो ड्राइंग में घंटों लग जाते हैं। क्या बढ़िया दिन है। वो, हे, क्या? वैसे मैं ये बैग इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसे ब्लू ड्राई करना बहुत अच्छा है। इसे ऐसे सर के ऊपर बांधें और अपनी उंगलियों से एक छेद बना ले। यहाँ से आपका ब्लो ड्रायर नोजल अंदर जाएगा, तो हीट अंदर जाने दो। और आपके जानने से पहले आपके बाल बिल्कुल सैलून जैसे सीधे हो जाएंगे। वाह, ये ट्रिक सच में काम करती है। हेलो, अपनी जैकेट वहाँ रख दें। ही लीजिए ये। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत भयानक है। ओ, मेरे हाथ बहुत ड्राई है और ये बहुत शर्मनाक है। अगर आज उसने मुझे प्रपोज किया। मैं अपने हाथों को ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी, मुझे कुछ करना होगा। ग्लव्स, ये आसान तरीका है। लीजिए, आपका टेबल वहाँ है। फिर मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं आ गई। तुम आ गई, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये ड्रिंक तुम्हारे लिए। लाओ, मैं तुम्हारी ग्लव्स उतार देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। और मुझे तुम्हारे हाथ पर किस करना है। ओ नहीं, उसने ग्लव उतार दिया। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तुम अपना हाथ वापस ले लो। कोई बात नहीं, हम सबकी स्किन कभी कभी ड्राई हो जाती है। हे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहाँ देखो, वहाँ एलो है। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ठीक है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। सबसे पहले हमें एलो को काटना होगा। अब थोड़ा हनी डालते हैं। हनी और आलू दोनों में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। फेस्टल से इन्हें मिला देते हैं। ये करना बहुत सैटिस्फाइंग है। आलू की सारी अच्छी चीजें निकाल लेते हैं। अब ये हाथों पर मलने के लिए तैयार है।
अब मेरे हाथ बहुत स्मूथ है। अब तुम मेरा हाथ वापस ले सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ। रुको, एक और चीज। हे भगवान, क्या ये वही है? वो यही कहीं है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। खैर, शुक्र है अब हम दोनों अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, टीचर देख तो नहीं रही, उनका चेहरा बोर्ड की तरफ है। यही मौका है। ध्यान से, बस उनका ध्यान मेरी तरफ ना आ जाए। एक सेकंड रुको। तुम अपने आप को बहुत तेज समझती हो। चलो देख लेते हैं। हेलो। हाँ, ये मैं हूँ। तुम्हें रूल्स पता है ना? ठीक है, ये रही मेरी लिपस्टिक। कोई मेरी नजरों से दूर नहीं हो सकता। और वो लिपस्टिक बिल्कुल नई थी। हे, इस पेंसिल से मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। हाँ, ये मेरे काम आएगी। सबसे पहले इसके इरेजर को निकालना होगा। अब आखिर में ये स्ट्रॉ डालते हैं। फालतू हिस्सा काटना होगा। अब मुझे लिपस्टिक चाहिए। मैं इसे चम्मच पर रखकर पिघलाऊंगी। अब ये लिक्विड है तो हम इसे स्ट्रॉ मोल्ड में डाल सकते हैं। ध्यान से, इसे गिराना नहीं है। और हो गया, ये सूख गई। अब हम स्ट्रॉ निकाल सकते हैं। ये काम किया। मेरी पेंसिल लिपस्टिक इरेजर है। हाँ, ये पीछे क्या चल रहा है? रोजी, क्या ये मेकअप है? ओ नहीं मैम, ये बस मेरी पेंसिल है। खैर, जानकर खुशी हुई। ठीक है, मैं बस तैयार हूँ। लेकिन हम मेरी आंखों पर कुछ लगा सकते हैं। शायद आईलाइनर। लेकिन वो काला रंग कहाँ है? ये मत बोलना कि ये खत्म हो गया। मैं अभी ये कुछ हफ्तों पहले ही लेकर आई थी। इसमें थोड़ा तो होना चाहिए। बस एक सेकंड रुको, शायद ये ट्वीजर्स काम कर जाए। अगर आपका लिक्विड लाइनर खत्म हो जाए तो ट्वीजर से टिप को निकाले और उसे उल्टा कर दे। तो यहाँ वो इंक छिप रही थी। अपने लुक को पूरा करने के लिए परफेक्ट विंक्ड लाइनर। तुम्हें कैसा लगा? तुम हमेशा की तरह सुंदर लग रही हो बेला। शायद ये ट्रिक लिप ग्लॉस के साथ भी काम आती। कभी कभी शीशे में सिर्फ एक ही बार देखने से पता चल जाता है कि आपको कुछ करने की जरूरत है। मेरे होंठ इतने सूखे क्यों हैं? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बहुत शर्मनाक है। अब मैं क्या करूँ? ये स्किन तो निकल रही है, पर मैं इसे खींचना नहीं चाहती। लिप बाम मदद करेगी, है ना? हाँ, मेरे होंठ खराब हैं। इसमें बिल्कुल नहीं बचा। मैं ऐसे नहीं रह सकती। थोड़ी लिपस्टिक काम करेगी। ये भी खत्म हो गई। अब मेरे होठों को कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक लिप बाम का खाली कंटेनर साफ करें और फिर इसे रख दें एक छोटी कटोरी में। नारियल का तेल, वैसलीन और थोड़ी सी अपनी मनपसंद लिपस्टिक डालें। बढ़िया। जब ये पिघल जाए तो इसे लिप बाम कंटेनर में डालें। अब इसे सख्त होने के लिए फ्रिज में रख दें। चलो जल्दी मिलते हैं। मैं वापस आ गई। तुम बढ़िया दिखते हो। अब इसे टेस्ट करने का समय है, पर मुझे ये सही जगह से करना होगा। यहाँ से। क्या मेरे होठों को ये चाहिए था? ओह हाय, परफेक्ट पाउट। तुमने मेरा दिन बचा लिया। ओह, मुझे विक्की को दोबारा कॉल करना है। Thank you.
ठीक है, शुक्रिया। क्या दिखाने के लिए काफी है? हाँ चलो शुरू करो। ऐसे हो गया। हाँ हाँ ये काफी अच्छा है। अरे यार मुझे भी वैसा चाहिए। दोबारा मुझे यही तो चाहिए। मैं आज टैटू आर्टिस्ट बनी हूँ। हे वाह तुम्हें भी चाहिए? हाँ अच्छा टाइम पास है। अगर किसी ने पूछा तो मैं दोपहर में पूल के पास सनबेथिंग कर रही हूँ। क्या ये लो। शुक्रिया बेटी, लेकिन मैं कभी बर्न नहीं होती। मैं तो एयर कंडीशनर में रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर तो लाखों डिग्री जैसा गर्म है, लेकिन पूल पर मजा आ गया। मेरे फेस पर खुजली हो रही है। वो मुझे फ्रीकल्स कब से हो गए? ये सच में कोई बड़ी बात नहीं। चिंता मत करो दोस्त, मैं मदद करूंगी। कुछ लोगों को फ्रीकल्स पसंद होते हैं। तुम उन्हें जान मुझ कर भी बना सकते हो। ये असली लग रहे हैं, है ना? अब मैं भी सनकिस्ट हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? वो तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हैं। तुम हमेशा मुझे अच्छा ही महसूस करवाती हो। पूल के पास बैठकर एक गर्मी का दिन बिताने से अच्छा क्या हो सकता है? इसे लगाना तो लगभग भूल ही गई थी। बस थोड़ा सा और मैं सूरज से ज्यादा चमकूंगी। कौन सी लड़की को थोड़ी चमक नहीं पसंद? ये मैं इसके बिना कहीं नहीं जाती। सूरज बढ़िया है ना? वो इस ब्यूटी को देखो। अपने गेम को थोड़ी देर रोकना सही होगा। माफ करना, तुम सूरज के घर में रोक रहे हो। वो अब पता चला तुमने खेलना क्यों रोक दिया। हेलो, यहाँ एक और सुंदर लड़की है। सच में क्या मैं अचानक से इनविजिबल हो गई हूँ? मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ओह, मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्या करना है। पहले तुम्हें एक बेबी ऑयल चाहिए और थोड़ा ब्रॉन्जर। एक पॉपसिकल स्टिक की मदद से मेकअप स्क्रैप करें। अब इसे ऑयल की बॉटल में डालें। देखो ये कैसे बॉटल में नीचे जा रहा है। अगला थोड़ा कॉस्मेटिक ग्लिटर लें और इसे उसके अंदर डालें। अभी वो स्पार्कल है जो हमें चाहिए। कैप को अच्छे से टाइट करके लगाएं। और अब समय है इसे शेक करने का। क्या ये शानदार नहीं है? थोड़ा सा रब करें। अब सभी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। शेयर करने के लिए शुक्रिया।